पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजाता। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, कैसे आप 24 कैरेट गोल्ड फेशियल को घर में बना सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो 24 कैरेट गोल्ड फेशियल होता है या जो भी गोल्ड फेशियल होता है वो मार्केट में 1000 रुपए से स्टार्टिंग होती है, और वो जो फेशियल होता है हमें रियली नहीं पता होता उसमें रियली गोल्ड है कि नहीं है। तो आज मैं उस 24 कैरेट गोल्ड फेशियल को आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, वो भी एकदम इजी मेथड के साथ। तो उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बनाते हैं इस फेशियल को, रियली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपके स्किन को एकदम फेयर टोन देगा, एकदम हेल्दी बनाएगा। जैसे आप गोल्ड फेशियल पार्लर में करती हैं और आपका फेस एकदम चमक जाता है, तो वैसे ही इस फेशियल को मैं आज आपको घर में करना भी बताऊंगी और बताऊंगी भी कि आपको बनाना कैसा है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेमेडी को। यहाँ पे मुझे सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है कच्चा दूध। और कच्चा दूध आपको जैसे पता है कि बहुत ही अच्छा एक क्लिनजिंग मिल्क होता है, आपके फेस की क्लीन करता है, आपके फेस के दाग धब्बों को दूर करता है। तो यहाँ पे मैंने आधा पाउंड कच्चा दूध लिया है। आपको जितनी मात्रा में बनाना है आप उतनी मात्रा में कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है केसर। केसर एक नेचुरल स्किन को फेयर करने का इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैंने कच्चा दूध के साथ केसर लिया है, इसे थोड़ा सा मैं डाल दूंगी और इसका न्यापी कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपका केसर थोड़ा हार्ड है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा कलर चेंज होने में। तो देखिए एकदम दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। केसर आपकी स्किन को फेयर टोन देता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स है हल्दी। हल्दी एक ऐसा तत्व होता है कि जिसमें आपके फेस के दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और आपके इंडियन टोन के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है हल्दी। आप हर फेस पैक में हल्दी डालेंगे तो एक नेचुरल निखार आपकी स्किन में आता है। तो तीनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सबसे पहले मुझे फेशियल का बेस एकदम तैयार हो चुका है। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी क्लिंजिंग मिल्क। क्लिंजिंग मिल्क के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना है, जो मैंने दूध केसर और हल्दी का मिक्सर बनाया था इसे मैंने अपने फेस में अप्लाई करना है। तो मैंने अपने पहला फेस वॉश कर लिया अच्छे से, उसके बाद मैं क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई करूंगी। पूरे फेस में इसे लगा लेना है आपको, और कम से कम आपको इससे 5 मिनट्स मसाज करनी है। अच्छे से अपने फेस में मसाज कीजिएगा। आपका फेस देखिएगा कि क्लिंजिंग में ही आपके फेस में एकदम अच्छा सा निखार आ जाएगा। अच्छा सा 5 मिनट्स मसाज कीजिएगा और वॉश कर लीजिएगा अपने फेस को। देन मैं बनाऊंगी स्क्रब। स्क्रब के लिए मुझे चाहिए 1 चम्मच चीनी, और चीनी के बाद मैं यहाँ पे लूंगी दूसरी चीज शहद, 1 चम्मच शहद। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जो मैंने दूध का मिक्सचर बनाया है केसर वाले दूध का, केसर हल्दी का, उसे मैं थोड़ा सा 1 चम्मच उसे भी डाल दूंगी। और मेरा अच्छा स्क्रबर तैयार हो चुका है और इसे मुझे अपने फेस में अप्लाई करना है। जैसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे थोड़ा हल्के हाथों से करेंगे स्क्रब, और पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लें। और कम से कम आप इसे 5 मिनट्स इसको मसाज कीजिएगा, जहाँ पे आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो रखे हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे और आपकी स्क्रीन में एकदम 4 चांद आपके फेस में हो जाएगा और बहुत ही अच्छा निखार आपके फेस में आ जाएगा। जो चीनी होती है वो आपके पोर्सों को ओपन करके एकदम आपके फेस को एकदम ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है, और शहद आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। और अगर आपको फेशियल के स्टेप अच्छे से नहीं आते तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे पहले भी मैंने फेशियल के स्टेप्स करे हैं और प्रॉपर तरीके से बनाए हैं। देखिए स्क्रबिंग मेरी हो चुकी है, देन मैं बनाऊंगी क्रीम। तो क्रीम के लिए मुझे सबसे पहले क्या लेना है, 1 बाउल में 1 चम्मच दही मैं यहाँ पे लूंगी। दही आपके फेस को
आपके फेस के दाग धब्बे दूर करता है और टैनिंग को दूर करता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे लूँगी 2 चम्मच, जो मिल्क मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ पे लूँगी। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें मुझे तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाहिए, सैंडलवुड पाउडर, जिसे हम चंदन पाउडर भी कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे ले लूँगी और 1 चम्मच के करीबन मैं यहाँ पे चंदन पाउडर लूँगी। चंदन आपके फेस को एकदम ठंडक पहुँचाता है, आपके फेस के दाग धब्बे को दूर करता है, आपकी स्किन को फेयर बनाता है। तो 1 चम्मच मैंने चंदन पाउडर भी ले लिया है। ये देखिए, मिक्स करके पेस्ट बनाना है। अब आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस पे। देखिए, मेरे फेस में एकदम वैसे भी स्क्रबिंग से ही निखार आ चुका है। और अच्छे से आपको इसको कम से कम 20 मिनट्स मसाज करनी है अपने फेस पे। अगर आपको लगे ड्राई है तो थोड़ा सा आप अपने फेस में पानी लगा के फिर इससे अच्छे से मसाज कीजिएगा। और कम से कम आपको इसे 20 मिनट मसाज करनी है। आप चाहें तो थोड़ी देर, जब आपकी मसाज 20 मिनट हो जाए तो थोड़ी देर पैक को ऐसे ही फेस में छोड़ दें और थोड़ा 5 मिनट बाद भी वॉश कर सकते हैं। अपने फोरहेड एरिया पे, अपने चिन एरिया पे, अपने आईज के नीचे अच्छे से मसाज करनी है। देखिए, मेरा क्लीनिंग हो चुकी है ये पूरी। अब मैं बनाऊंगी फेस पैक। फेस पैक के लिए मुझे 1 चम्मच चंदन पाउडर लेना है और यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैं लूंगी दूध का मिक्सचर जो बनाया है, हल्दी, दूध और केसर का। दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका फेस थोड़ा हार्ड हो रहा है तो थोड़ा सा आप उसमें जो मिल्क है वो और डाल लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें कम से कम 1/2 चम्मच के करीबन नींबू का रस दूंगी। नींबू का रस आपकी स्किन की जो टैनिंग है उसको दूर करेगा। ऐसे में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इसे मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। कम से कम 15-20 मिनट्स इसे आप अपने फेस पे रखिएगा, जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। देखिए, मेरा फेस पैक एकदम ड्राई हो चुका है। मैं अपना फेस वॉश कर लूंगी। मैंने फेस वॉश कर लिया होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।